मेली किड्स टीवी। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। उस खरगोश का नाम मोंटी था और वो बहुत ज्यादा शरारती था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। आज काफी बोर हो रहा हूँ मैं, कुछ मस्ती करनी चाहिए। क्या करें, आइडिया, क्यों ना आज सबसे मजे लिए जाए। मोंटी उठता है और भागने लगता है। भागो भागो, शेर आ रहा है, भागो भागो, शेर आ रहा है। ये सब सुनकर सभी जानवर मोंटी की तरफ देखने लगते हैं और भागने लगते हैं। बिल्ली मौसी, भागो तुम भी, शेर आ रहा है। और डर कर बिल्ली भी जोर जोर से भागने लगती है। हिरन भाई, तुम भी भागो जल्दी से, शेर आ रहा है। आगे हिरन अपने बच्चों के साथ पानी पी रहा था, जब उसने देखा कि मोंटी सबको भागने को बोल रहा है, तो हिरन ने मोंटी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई, शेर आ रहा है, तुम भी भागो। और हिरन अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है। थोड़ा आगे बहुत सारी गायें घास खा रही होती हैं। जब उन सबको भागो भागो की आवाज आती है, तो सभी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अरे ये शोर कैसा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी। अचानक वहां पर उनको एक चूहा भागता हुआ दिखाई देता है। अरे रुको चूहे भाई, क्या हुआ है, जंगल में सब लोग क्यों भाग रहे हैं? अरे शेर आ रहा है, तुम भी भागो जल्दी से। और वो सभी गाय भी भागने लगती हैं। फिर सभी लोग एक बड़े से पेड़ के पास रुक जाते हैं और वो लोग वहां पर देखते हैं कि मोंटी जोर जोर से हंस रहा होता है। सभी जानवर हैरान परेशान होकर मोंटी को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्यों हंस रहा है। म्याऊ, म्याऊ। तुम यहाँ पर रुक क्यों गए हो और इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? सभी जानवरों को काफी गुस्सा आ रहा था कि मोंटी क्यों हंस रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैंने तो सबको पागल बना दिया। मतलब मैं बैठा हुआ बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ मस्ती करी जाए, और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, और तुम सब लोग ऐसे भागे। यहाँ पर सभी जानवर काफी गुस्से में आ जाते हैं और फिर हाथी खरगोश की तरफ आता है और उसे मारने लगता है, और उसके पीछे बाकी जानवर भी आ जाते हैं खरगोश को मारने के लिए। सभी जानवर खरगोश को काफी मारते हैं। मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। दोस्तों चलो बस करो, दोस्तों चलो बस करो, काफी है इसके लिए, ये अब से इससे कोई बात नहीं करेगा और ना ही इसकी कोई मदद करेगा। हाँ हाँ जाओ तुम सब, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, पड़े आए मेरी मदद करने के लिए। म्याऊ, म्याऊ। चलो दोस्तों हम चलते हैं, बोलने दो इसको।
फिर मोंटी अपने घर की ओर चला जाता है। मोंटी अपने घर की ओर चल देता है। काफी रात हो रही थी और इस वक्त जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। मोंटी अपने बेड पर सो रहा होता है और अचानक से मोंटी की नींद खुल जाती है। मोंटी देखता है कि उसके घर में काफी ज्यादा पानी आ गया है, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे यार, इतना सारा पानी कैसे आ गया मेरे घर में? मोंटी वेट करता है, शायद बारिश रुक जाएगी और पानी कम हो जाएगा, मगर बारिश और तेज हो जाती है और धीरे धीरे पानी और भरता जाता है और एक वक्त पर पानी उसके बेड तक भी आ जाता है। मुझे लगता है मुझे कहीं और चलना चाहिए, क्योंकि ये पानी तो काफी तेजी से घर में आ रहा है। मोंटी बाहर आकर देखता है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ जाए, और सबसे पहले वो बिल्ली मौसी के घर जाता है। मौसी, मौसी, दरवाजा खोलो जल्दी से। म्याऊ, म्याऊ, कौन, कौन हो तुम? मौसी, मैं मोंटी। बारिश काफी तेज थी तो बिल्ली मौसी को दिख नहीं रहा था कि बाहर कौन है। तू क्या करने आया है तू मेरे घर में? मेरे घर में पानी भर गया है, क्या मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। मोंटी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मोंटी गाय के घर जाता है और दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है। गाय चाची, मुझे घर में आने दो, बाहर काफी बारिश हो रही है। चलो जाओ तुम यहाँ से, कोई नहीं करेगा तुम्हारी मदद। मोंटी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मोंटी को काफी ठंड भी लग रही थी और वो कांप भी रहा था। सुबह होती है और जानवर पेड़ के पास खड़े होते हैं और मोंटी को देख रहे होते हैं। मोंटी मर चुका होता है। तो दोस्तों, हमें कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए और हमेशा सबकी मदद भी करनी चाहिए। एक काफी घना जंगल था। उस जंगल में काफी जानवर रहते थे। वहीं पर एक खरगोश भी रहता था। उस खरगोश का नाम मोंटी था। मोंटी खरगोश काफी आलसी होता है, वो हर काम कल पर टाल देता है। मोंटी खर्राटे लेकर सो रहा था। मोंटी के घर के बाहर उसका दोस्त जुगनू आता है। मोंटी काफी गहरी नींद में होता है। जुगनू फिर से दरवाजे को खटखटाता है। इस बार जुगनू काफी ज्यादा जोर से दरवाजे को खटखटाता है। मोंटी भाई, तुम अंदर हो? मोंटी एकदम घबरा कर उठ जाता है। अरे कौन है इस वक्त जिसने अपन की नींद ही खराब कर दी है? अबे कौन है बे? मैं हूँ जुगनू। मोंटी सुस्ताते हुए उठता है दरवाजे को खोलने के लिए। इसे भी अभी आना था। मोंटी यहाँ ऐसा शो करता है जैसे उसको काफी अच्छा लगा हो जुगनू के आने पर। जुगनू मेरे भाई, मैं अभी तुझे ही याद कर रहा था। मगर तू तो अभी सो रहा था ना? हाँ, मेरा मतलब सोने से पहले तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। अच्छा चलो, बहुत हो गया। सर्दी आने वाली है और हम लोगों को अपने लिए खाना जमा करना है। मोंटी और जुगनू जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर सर्दियों में काफी बर्फ पड़ती है, तो उस वक्त में घर से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये लोग उस वक्त के लिए खाना जमा कर लेते हैं। मोंटी थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, अरे अभी तो काफी टाइम है सर्दियाँ आने में, ऐसा करते हैं हम लोग कल चलते हैं। तुम हमेशा सारे काम कल पर क्यों टाल देते हो? अरे तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो कल ही जाऊंगा, मुझे अभी कुछ और काम है। मुझे पता है तुम्हें क्या काम है,
तुम्हें बस सोना है। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। जुगनू को काफी गुस्सा आता है और वो खाने की तलाश में जंगल चला जाता है। मोंटी दरवाजे को बंद कर देता है और वो फिर से सोने चला जाता है। फालतू में मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, चलो सोने चल दे। अगले दिन जुगनू अपने घर से फिर निकलता है खाने की तलाश में और आगे चलकर मोंटी का घर आता है। मुझे ना एक बार मोंटी से भी पूछ लेना चाहिए, अगर बर्फ पड़ गई तो वो भूखा रह जाएगा। जुगनू फिर मोंटी के घर की तरफ जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। मोंटी भाई, तुम हो घर पर? अगर ये आज ही नहीं चला ना तो अगली बार से इसको नहीं बुलाने आऊंगा। मोंटी हमेशा की तरह सो रहा होता है। मोंटी भाई, मोंटी भाई, अरे ये फिर आ गया आज। मोंटी अपने बेड से उठता है और दरवाजे को खोलने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाता है। अरे जुगनू मेरे भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसे आना हुआ? तुम चलोगे मेरे साथ आज खाने की खोज में, क्योंकि अब कभी भी बर्फ गिर सकती है। ये आज फिर मेरी नींद खराब करने आ गया है। कुछ कहा तुमने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो कोई ना, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? मोंटी को लगता है कि इसे अब मैं कैसे भगाऊं। फिर मोंटी एक बहाना सोचता है जुगनू को भगाने का। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मोंटी भाई तुम बोलो तो मैं तुम्हारी वेट कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं तुम जाओ, अभी मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अभी नहाने भी जाना है। तुम पक्का आओगे ना? अरे हाँ भाई आऊंगा मैं, तुम जाओ मैं पक्का आता हूँ। जुगनू अपने खाने की तलाश में चल देता है और मोंटी फिर से जाकर सो जाता है। आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा खाने की तलाश में। ऐसा करता हूँ थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ खाने की तलाश में। जुगनू खाने को अपनी बास्केट में डाल रहा होता है, इतने में बर्फबारी शुरू हो जाती। अरे ये अचानक से बर्फबारी कहाँ से शुरू हो गई? मुझे जल्दी से अपने घर चलना चाहिए, वरना मैं यही फंस जाऊंगा और ये मोंटी भी नहीं आया, इसका आलसीपन कभी नहीं खत्म होगा। और जुगनू जल्दी से अपने घर की ओर चल देता है। मोंटी अभी भी सो रहा होता है, अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो खिड़की से बाहर देखता है। अरे यार ये तो बर्फबारी शुरू हो गई है और मैंने तो कुछ भी खाना इकट्ठा नहीं किया है। मोंटी भागकर बाहर जाता है और कुछ खाने का सामान ढूंढ रहा होता है। अरे यहाँ तो काफी गाजर थी। मोंटी थोड़ी मिट्टी को और खोदता, अब तो कुछ भी नहीं है, कहाँ गई सारी गाजर यहाँ से? मोंटी एकदम से पागल सा हो जाता है क्योंकि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। मोंटी को काफी ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो हार कर अपने घर चला जाता है। ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कहाँ से खाना खाऊंगा? मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है, मुझे अपने दोस्त जुगनू की बात मान लेनी चाहिए थी। बच्चों हमें हमेशा अपना काम वक्त पर करना चाहिए, कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। अगर मोंटी अपने दोस्त जुगनू की बात मान लेता तो उसके पास खाने के लिए खाना होता। मेली किड्स टीवी। एक समय की बात है, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, मोंटी खरगोश और जुगनू भेड़। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। मोंटी थोड़ा शातिर था और अपनी बुद्धि का गलत कामों में इस्तेमाल करता था, और वहीं जुगनू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों में करता था। दोनों अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। एक बार दोनों कहीं बाहर से घूम कर आ रहे थे।
चलो भाई मैं चलता हूँ, बहुत थक गए आज और भूख भी काफी लगी है। हाँ भाई आज काफी मजे किए हमने, मैं भी चलता हूँ अपने घर। क्यों ना मैं भी इसके घर चलता हूँ, भूख तो मुझे भी लगी है और इसके घर जाकर मैं भी वहाँ से कुछ ना कुछ खा ही लूंगा और मेरे घर वाला खाना भी बच जाएगा। मोंटी भाई कहाँ खो गए तुम? अरे कहीं नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा, क्या मैं भी तुम्हारे घर चलूं? जुगनू मोंटी की इस चाल को समझ नहीं पाता है और वो मान जाता है मोंटी को अपने घर ले जाने के लिए। हाँ भाई तुम भी चलो। मोंटी जुगनू के साथ उसके घर की ओर चल देता है। आओ भाई अंदर आ जाओ। तुम्हारा घर जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी भाई। अरे तुम खड़े क्यों, आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ भाई जरूर। जुगनू भी मोंटी के सोफे पर बैठ जाता है। यार तुम बाहर कुछ बोल रहे थे। मोंटी अपना शैतानी दिमाग चलाता है। क्या तुम काफी थक गए और तुम्हें? हाँ यार थक तो तुम भी गए हो काफी, तो आराम से बैठ जाओ ना। और तुम्हें पानी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे, ये तो खाने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा है, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। ऐसा करता हूँ इसको बोल ही देता हूँ। जुगनू भाई तुम बाहर बोल रहे थे ना कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है तो तुम्हें खाना खाना है, तो तुम खा लो, मैं तुम्हारी यही वेट कर लेता हूँ। हाँ भाई भूख तो काफी लग रही है, चलो मैं खाकर आता हूँ, तुम बैठो यहाँ पर। मोंटी को लग रहा था कि जुगनू उसको भी खाना खाने के लिए बोलेगा, मगर जुगनू ने खाना खाने के लिए उससे नहीं पूछा। अरे यार इसने तो मुझे बोला ही नहीं, मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जुगनू किचन में अपना खाना गरम कर रहा होता है, इतने में मोंटी वहीं आ जाता है। अच्छा जुगनू मैं अपने घर चलता हूँ। अरे भाई इतनी जल्दी? हाँ वो मुझे घर जाकर खाना बनाना है ना। जुगनू की खाने की प्लेट को देखकर मोंटी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह कितना स्वादिष्ट खाना लग रहा है। कहाँ खो गए हो मोंटी भाई? अरे कहीं नहीं, वो तुम्हारा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मुझे भी भूख लग गई। अगर ये खाना मैंने इसको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मैं थोड़ा खाना तुम्हारा टेस्ट कर सकता हूँ? मोंटी ने अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल किया और जुगनू से उसका खाना मांग लिया। जुगनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको हाँ बोले या ना, क्योंकि वो मोंटी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। हाँ भाई क्यों नहीं। जुगनू ने भारी मन से अपने खाने की प्लेट मोंटी की तरफ कर दी और मोंटी ने झट से प्लेट को पकड़ लिया और जुगनू के खाने को खाने लगा। जुगनू मोंटी को देखता रहा और मोंटी खाना खाता रहा। अरे तुम भी खाओ ना। हाँ भाई तू कुछ छोड़ेगा तभी तो खाऊंगा ना। मोंटी जुगनू का आधे से ज्यादा खाना खा जाता है। बस भाई मजा आ गया, जुगनू यार तुम तो काफी स्वादिष्ट खाना बनाते हो। हाँ भाई। चल भाई मैं चलता हूँ, मुझे भी घर जाकर खाना बनाना है। ठीक है भाई। जुगनू बचा हुआ खाना खाकर सो जाता है और मोंटी खुश होकर घर चला जाता है। मजा आ गया आज फ्री का खाना खाके, चलो अब सोते हैं। मोंटी सूरज की रोशनी से उठ जाता है। अरे बढ़िया नींद आई रात को, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ और फिर जुगनू के घर चलता हूँ फिर कुछ खाने के लिए। मोंटी जल्दी तैयार हो जाता है जुगनू के घर जाने के लिए। जुगनू भाई तुम घर पर हो? जुगनू मोंटी के लिए दरवाजा खोलता है। अरे मोंटी तुम इतने सुबह सुबह कैसे? वो मैं जल्दी उठ गया था ना तो मैंने सोचा कि जुगनू भाई से मिलने चलते हैं। हाँ आ जाओ अंदर। जुगनू मोंटी को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। मोंटी जुगनू की रसोई की तरफ देखता है कि उसने सुबह का नाश्ता कर लिया है कि नहीं। तुम अभी उठे हो क्या?
हाँ यार, बस थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। क्यों क्यों क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही पूछा। नहीं बस ऐसे ही पूछा। अब मैं इसे कैसे बोलूं कि मुझे खाने के लिए चाहिए? तो भाई तुम्हारा सुबह का नाश्ता हो गया? नहीं अभी तो नहीं, घर में कुछ खाने को ही नहीं है। मैं बस बाहर जा ही रहा था खाने की तलाश में। ए, तुमने कुछ खाया? नहीं यार, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अरे तो तुम भी चलो ना मेरे साथ जंगल में खाने की तलाश में। मोंटी को हमेशा मुफ्त में खाना खाने की आदत थी। जब जुगनू ने उससे चलने को कहा तो उसने बड़े भरे मन से हाँ बोल दी। चलो चलते हैं। मोंटी और जुगनू दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं खाने की तलाश में। काफी ढूंढने के बाद उनको कुछ सब्जियां मिल जाती हैं खाने को और दोनों बड़े मजे से सब्जियां खा रहे होते हैं। वाह मजा आ गया, ऐसे रोज खाना मिल जाए तो अपना समय गुजर जाए। हाँ मगर उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होती ना। मोंटी और जुगनू दोनों बातें कर रहे थे तो दूर खड़ा एक शेर उनको देख रहा होता है। वाह आज के खाने का इंतजाम हो गया मेरा। शेर धीरे धीरे और चुप चुप के मोंटी और जुगनू की तरफ बढ़ता है। मोंटी और जुगनू खाना खाने में इतना व्यस्त होते हैं कि उनको शेर के आने का एहसास ही नहीं होता। शेर एकदम से दोनों के सामने आ जाता है और दोनों एकदम से डर जाते हैं। आज तो मजा आ जाएगा, बताओ पहले मैं किसको खाऊं? मोंटी और जुगनू दोनों काफी घबरा जाते हैं शेर को देखकर। तभी मोंटी अपने शातिर दिमाग को चलाता है। शेर जी आप कृपया करके मुझे मत खाओ यार, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मुझे खाने से तो पेट भी नहीं भरेगा ना। ऐसा करो आप इस जुगनू को खा लो, देखो ये इतना बड़ा और स्वादिष्ट भी होगा। ये सब सुनकर जुगनू को बहुत बुरा लगता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसके लिए ऐसा बोला। फिर जुगनू भी अपना दिमाग चलाता है। शेर जी मैंने तो रात से कुछ भी नहीं खाया है और इस मोंटी ने रात को पेट भर के खाना खाया था। और आपको तो पता ही होगा खरगोश के दो दिल होते हैं, मेरे तो सिर्फ एक ही दिल है। अब आप ही देख लो कि आपको एक दिल वाला जानवर खाना है या दो दिल वाला। जुगनू ने अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल किया और शेर को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तुमने सही बोला, मजा तो दो दिल को खाने में आएगा। तो पहले इस खरगोश को खाऊंगा और फिर तुम्हें। शेर खरगोश को पकड़ लेता है। अरे अरे नहीं 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 शेर जी, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास भी एक ही दिल है। चुप। और शेर मोंटी को मार देता है और खाने लग जाता है। अब जुगनू को टेंशन हो रही थी कि अभी उसकी भी बारी आने वाली है। तभी जुगनू का दिमाग फिर से चलता है। शेर जी आपको खाकर प्यास लग रही होगी ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? हाँ जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। रुको, अगर तुम भाग गए तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। अरे शेर जी आप हमारे राजा हो, आपसे दूर कहाँ जा सकते हैं, मैं बस आपके लिए पानी लेकर यूं आता हूँ। जुगनू पहले धीरे धीरे शेर से दूर जाता है और फिर शेर की तरफ देखता है। शेर अपना खाना खाने में मस्त था। जुगनू मौका देखकर भागने लग जाता है और भागते भागते अपने घर के अंदर चला जाता है। बच्चों हमें हमेशा सच्चे और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें और आपके लिए हमेशा अच्छा सोचें। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.